सो है गाइस, मैं आप लोग को भाई भाई बताऊंगा आप लोग कैसे भाई कुछ इस टाइप से आप लोग भाई कैसे एडिटिंग करेंगे भाई ऐसा। तो आप लोग ना भाई ऐसा एडिटिंग आप लोग कर नहीं पाते हो, मुझे पता है। तो आप लोग पहले यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कितना बेस्ट क्वालिटी का फेस अपना यहाँ पे स्मूथिंग किया हूँ और कितना हाई क्वालिटी का अपना फेस यहाँ पे गोरा किया हूँ। तो मैं आप लोग को भाई बताऊंगा भाई स्टेप बाय स्टेप कि आप लोग कैसे अपने फोटो को भाई कुछ इस टाइप से एडिटिंग करेंगे और अपने फेस को आप लोग कैसे भाई स्मूथिंग करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, सबसे अलग क्वालिटी का फ़ोटो मैं यहाँ पे ना एडिटिंग किया हूँ और मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे अपने फ़ोटो को कुछ इस टाइप से एडिटिंग करेंगे। तो भाई ना इस टाइप से भाई अपना फ़ोटो आप लोग को अगर एडिटिंग करना है तो भाई इस टाइप से एडिटिंग करने के लिए आप लोग को सिंपली सा अपनी गैलरी में आप लोग को आ जाना है। तो मैं यहाँ से भाई कट करके अपनी गैलरी में आता हूँ और गैलरी में आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना हाई क्वालिटी वाला फ़ोटो मैं अपना एडिटिंग किया हूँ और मेरा सिंपल फ़ोटो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग भाई देख सकते हो भाई सिंपल फ़ोटो कितना ख़राब और भाई कितना बेकार है। तो मैंने बस भाई इसी फ़ोटो को लेके कुछ इस टाइप से एडिटिंग किया है और भाई इस टाइप से फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए आप लोग को ना अपना सिंपल फ़ोटो लेना है और सिंपल फ़ोटो लेके आप लोग को सेंड करना है स्नैपशीट में। तो आप लोग को ना अपने फ़ोटो को स्नैपशीट में सेंड कर लेना है और फ़ोटो स्नैपशीट में सेंड होने के बाद आप लोग को नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा टूल्स। तो आप लोग को भाई टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद आप लोग को मिलेगा ब्लैक एंड वाइट। तो आप लोग भाई पूरा ब्लैक एंड वाइट कर लेना है। तो इतना करने के बाद आप लोग को करना है डन और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई मेरे फ़ोटो भाई ब्लैक एंड वाइट भाई पूरा इफेक्ट भाई अप्लाई हो चुका है। आप लोग भाई देख सकते हो कि भाई पूरा अप्लाई हो चुका है ब्लैक एंड वाइट मेरे पूरे फ़ोटो पे। तो इतना होने के बाद ना आप लोग को अब अपने फेस के ऊपर से भाई इसको मिटाना है ब्लैक एंड वाइट को। तो भाई अपने फेस के ऊपर से भाई भाई मिटाने के लिए ना आप लोग को क्लिक करना होगा पहले आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे क्लिक करके आप लोग को मिलेगा यहाँ से वी एडिट। तो आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद आप लोग को मिलेगा यहाँ से ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने भाई कुछ इस टाइप से भाई ब्रश खुल के आएगा। तो आप लोग को इस ब्रश पे क्लिक कर लेना भाई और यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद आप लोग को भाई यहाँ से ना आप लोग को इस पे क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को पूरा अप्लाई करके और अपने फेस को आप लोग को करना है जूम और फेस को जूम करने के बाद आप लोग मिटाएंगे तो आप लोग के फेस के ऊपर से भाई ब्लैक एंड वाइट वाला भाई मिट जाएगा और आप लोग का भाई रियल फेस आ जाएगा। तो आप लोग भाई यहाँ पे देख सकते हो भाई मैं कितना बारीकी से आप लोग के सामने भाई अपने फ़ोटो को मैं एडिटिंग करके दिखा रहा हूँ और भाई अभी भाई मैं आप लोग को बताऊँगा भाई स्टेप बाय स्टेप कि मैं अपने फ़ोटो को भाई कैसे कैसे एडिटिंग किया हूँ। तो पहले आप लोग को भाई ऐसे भाई भाई पहले स्टेप में आप लोग को ना ऐसे अपने फ़ोटो को पूरा ब्लैक भाई पूरा ब्लैक रख लेना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं पहले अपने फ़ोटो को भाई स्नैपशीट में सेंड करके पूरा ब्लैक कर लिया हूँ और ना भाई ब्लैक होने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ डन और डन कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर। तो इतना हो जाने के बाद आप लोग को अभी इस फोटो को सेंड करना है यहाँ से स्केच बुक में। तो आप लोग को ना भाई स्नैपशीट से आप लोग को डायरेक्टली अपने फ़ोटो को स्केच बुक में सेंड कर लेना है और आप लोग का फ़ोटो ना भाई यहाँ पे आ जाएगा और फ़ोटो आने के बाद आप लोग को सिंपली सा अपने फ़ोटो को आप लोग को भाई फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा ना और फ़ोटो आने के बाद आप लोग को भाई यहाँ से पहले अपने चश्मे को आप लोग को करना है कलर। तो भाई अपना भाई चश्मा कलर करने के लिए आप लोग को ना यहाँ से क्लिक करना है यहाँ से डबल लेयर पे और डबल लेयर पे क्लिक करके आप लोग को यहाँ से लेना है एक लेयर और आप लोग को भाई यहाँ से एक लेयर लेके ना आप लोग को उस लेयर को रखना है यहाँ से नॉर्मल। तो भाई नॉर्मल आप लोग को लेयर रख के आप लोग को यहाँ से अब लेना है कलर और भाई कलर आप लोग को लेके ना यहाँ से आप लोग भाई कलर आप लोग को रखना है भाई रेड और भाई रेड कलर रख के आप लोग को करना है कट और आप लोग को अब यहाँ से लेना है ब्रश। तो भाई ब्रश वाले ऑप्शन पे आके आप लोग को यहाँ से लेना है इस ब्रश को और इस ब्रश को लेने के बाद आप लोग अपने चश्मे को करना है जूम और चश्मे को जूम करने के बाद आप लोग जैसे अप्लाई करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई मात्र कम टाइम में मैं आप लोग के सामने अपने चश्मे को भाई यहाँ पे कलर कर दिया हूँ। तो आप लोग भाई यहाँ पे देख सकते हो भाई मेरा चश्मे भाई कितना भाई ख़राब लग रहा था भाई देखने में और भाई कलर करने के बाद आप लोग को दिखाऊंगा भाई अभी बिफोर एंड आफ्टर तो कितना भाई ढांसू भाई मेरा फ़ोटो भाई लगेगा देखने में।
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं अपने भाई चश्मे को भाई सबसे आसान तरीके से कलर कर रहा हूँ। और आप लोग चाहेंगे तो गाइस आप लोग का चश्मा भाई कोई भी कलर हो आप लोग का हो आप लोग भाई उसको भाई दूसरा कलर कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई मैं कितना HD क्वालिटी में यहाँ पे कलर कर दिया हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई सबसे मस्त। तो इतना होने के बाद अब आप लोग को यहाँ से डबल लेयर करके आप लोग को भाई यहाँ से एक लेना लेयर और करना है कट। और कट कर लेने के बाद आप लोग को भाई इस लेयर को आप लोग को रखना है सॉफ्ट लाइट। तो सॉफ्ट लाइट रखने के बाद आप लोग अपने होठों करना है जूम। और होठों को जूम करने के बाद आप लोग जैसे अप्लाई करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई कि मेरा भाई जो मेरा लिप्स है वो भाई कितना हाई क्वालिटी भाई यहाँ पे ना भाई कलर हो रहा है। तो आप लोग के सामने भाई मैं जो भी भाई मैं जो कुछ भी करूँगा आप लोग के सामने करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे भाई देख सकते हो कि मेरा भाई लिप्स कितना हाई क्वालिटी में यहाँ पे भाई कलर हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई स्केच बुक से मैं अपने फेस को यहाँ पे ना भाई सॉरी गाइस अपने भाई चश्मे को यहाँ पे कलर किया हूँ और अपने लिप्स को भाई यहाँ पे कलर किया हूँ। तो इतना होने के बाद अब आप लोग को इस फोटो को भाई यहाँ से करना है सेव अपनी गैलरी में। और सेव करने के बाद आप लोग को ना इस फोटो को सेंड करना है यहाँ से पिकशॉट में। तो मैं यहाँ से अपने फोटो को भाई सेव करने के बाद आप लोग के सामने भाई पिकशॉट पे अपने फोटो को सेंड कर लेना है। तो भाई आप लोग यहाँ भी देख सकते हो कि मैं अपने फोटो को भाई यहाँ पे ना भाई पिकशॉट में सेंड कर दिया हूँ। और फोटो आने के बाद आप लोग को यहाँ से भाई क्लिक करना है ऐड फोटो पे। तो गाइस आप लोग को ना ऐड फोटो पे आके आप लोग को भाई यहाँ से भाई आप लोग को लेना है लाइट। तो मैं यहाँ से भाई ऐड फोटो पे आके भाई यहाँ से मैं लेता हूँ लाइट। तो अगर आप लोग के पास लाइट नहीं होगा भाई आप लोग कमेंट कर देना मैं आप लोग को लाइट दे दूंगा। तो लाइट भाई आने के बाद फोटो पे ना आप लोग को भाई यहाँ से मिलेगा आप लोग को ब्लेंड। तो भाई आप लोग भाई नीचे यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे लिखा हुआ ब्लेंड। तो भाई ब्लेंड पे क्लिक करके आप लोग को रखना है स्क्रीन। और भाई ना स्क्रीन रख के आप लोग को यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेना है ऐसे। और भाई ऐसे एडजस्ट होने के बाद आप लोग को भाई इसका कलर आप लोग को यहाँ से एडजस्ट में आके आप लोग को भाई इसका कलर आप लोग को चेंज कर लेना है। तो भाई यहाँ से ना भाई आपको आप लोग को मिलेगा ह्यू। तो आप लोग को भाई ह्यू पे क्लिक करके आप लोग को भाई यहाँ से इसको चेंज कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कितना हाई क्वालिटी में यहाँ पे इसको चेंज किया हूँ। और चेंज करने के बाद ना आप लोग को भाई यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेना है। तो इतना एडजस्ट हो चुका है मेरा। और एडजस्ट होने के बाद मैं यहाँ से भाई एक PNG और ऐड करता हूँ। तो भाई मैं फिर से आता हूँ ऐड फोटो पे। और ऐड फोटो पे आने के बाद मैं यहाँ से भाई PNG को एक और ऐड करता हूँ। और गाइस यहाँ से ना भाई द एडिटर PNG लेके आप लोग को भाई यहाँ से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको द एडिटर। तो भाई इस PNG को लेके आप लोग को भाई यहाँ से इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। और आप लोग को फिर से आना है ऐड फोटो पे। और आप लोग को भाई यहाँ से इस लाइट को ऐड करना है। और यहाँ से भाई इसका ह्यू आप लोग को भाई कम करके ना आप लोग को इस लाइट के पीछे आप लोग को लगा लेना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई काफ़ी तगड़ा मैं अपने फ़ोटो को आप लोग के सामने भाई एडिटिंग कर दिया हूँ। तो मैं यहाँ से करता हूँ डन। और डन करने के बाद ना आप लोग भाई यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो भाई मैं अपने फ़ोटो को आप लोग के सामने भाई काफ़ी तगड़ा एडिटिंग कर दिया हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस आप लोग भाई सोच रहे होंगे कि मैं अपने फेस को आप लोग को भाई ये स्मूथ करके नहीं बताया हूँ। तो भाई वीडियो भाई बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आप लोग को बताऊँगा। तो आप लोग कमेंट कर देना भाई जिसको फेस स्मूथ सीखना है मैं भाई ना उसके लिए भाई दूसरा वीडियो बना दूंगा।